हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीरमन भवानी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है रिटायरमेंट प्लानिंग। और ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते ही नहीं है। हम बस आज में जीते हैं, पर रिटायरमेंट प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। अभी रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल आया था फेब्रुवरी के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बताया था हाफ ऑफ अर्बन इंडियंस हैव नो रिटायरमेंट प्लान। ये PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने सर्वे किया था और उसके अंदर उनको पता चला था कि 51% देखिए, डू इंडियंस हैव अ रिटायरमेंट प्लान इन प्लेस, तो 51% लोगों ने कहा था नो, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास एक रिटायरमेंट प्लान हो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान है या नहीं। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपके पास रिटायरमेंट प्लान है या नहीं। अगर नहीं है तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे और डिले ना करके आप ये रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कीजिए, और जिसके अंदर मैं आपको हेल्प करूँगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी कैसे। तो इसके लिए हमको कुछ सवालों के जवाब चाहिए रहेंगे। सबसे पहला सवाल, व्हेन डू आई प्लान टू रिटायर, मैं कब रिटायर होना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल, हाउ मच मनी डू आई नीड एट रिटायरमेंट, मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा लगेगा। तीसरा सवाल, हाउ मच विल आई हैव टू सेव टू गेट माई रिटायरमेंट कॉर्पस, मतलब मुझे रिटायरमेंट में जितना पैसा चाहिए उसके लिए मैं कितना सेव करूँगा तब मुझे वो रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, मतलब हर महीने में कितना अभी से सेव करना चालू करूँगा, जमा करना चालू करूँगा, ताकि मुझे मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे एक बड़ा अमाउंट मिले। और लास्ट सवाल, वेयर शुड आई इन्वेस्ट टू गेट द कॉर्पस, मतलब मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये चार सवालों के जवाब हम इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन डू आई प्लान टू रिटायर, देखिए ये आप पर निर्भर करता है, आप अभी कितने साल के हो और आप कितने समय में रिटायर होना चाहते हो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो हो सकता है आप 10 साल के अंदर रिटायर होना चाहते हो सकता है 20 साल के अंदर रिटायर होना चाहते हो सकता है 30 साल या 40 साल। अगर कोई अभी 20 साल का है लड़का या लड़की जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास, अगर वो 60 साल का होता है तब रिटायर होना चाहता है, तो उसके पास 40 साल का समय है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। क्यों उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है उसको समझने के लिए आप मेरा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने बनाया है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई के उसमें दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उधर जाके चेक कर सकते हो। अभी दूसरा सवाल आता है कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा कितना चाहिए रहेगा। अभी हम में से किसी कितनों को लगेगा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 2 करोड़ चाहिए, मुझे 4 करोड़ चाहिए, मुझे 5 करोड़ चाहिए, बट ये कैलकुलेशन करने के लिए एक तरीका होता है, जो कि होता है कि आज की तारीख में आपका खर्चे कितने हैं। मान लीजिए आप 25,000 खर्चा करते हो हर महीने, या 50,000 या 1 लाख, जो भी आपका लाइफस्टाइल रहेगा उसके हिसाब से आपके खर्चे होंगे। बट अगर मान लीजिए कि अभी मैं 50,000 रुपया खर्चा कर रहा हूँ हर महीने, तो क्या आने वाले 10 साल के बाद भी मेरा खर्चा 50,000 ही रहेगा? आप सब जानते हो कि वो ऑब्वियसली फ्यूचर में खर्चा बढ़ेगा। क्यों खर्चा बढ़ेगा? क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है हमारी इकोनॉमी में, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। हर साल चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हमको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए उसके लिए हमको इन्फ्लेशन रेट समझना पड़ेगा पहले। आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट इज़ अराउंड 6 to 6.5%, 6 से 6.5% के आसपास में इन्फ्लेशन रेट है आज की तारीख में। तो हम मान के चलते हैं कि आने वाले 10-20 साल के अंदर भी वो सेम ही रहेगा, जो कि रहता नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है इन्फ्लेशन रेट, बट हमारे कैलकुलेशन के लेट अस अज्यूम कि वो 6% है। अभी मान लीजिए कि आपका अभी का खर्चा 50,000 रुपया होता है महीने का, ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ 50,000 रुपये के हिसाब से। आप अपने हिसाब से वो कैलकुलेशन चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अब भी मैं 50,000 रुपया खर्चा कर रहा हूँ, तो रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे कितना लगेगा, अज्यूमिंग कि मेरा लाइफस्टाइल सेम रहता है, तो
ये 50,000 रुपया इन्फ्लेशन की वजह से कितना ग्रो होगा आने वाले 10-20 सालों में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी ये कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के ऊपर। तो आपको गूगल में आ जाना है, इधर सर्च करना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो तीसरे चौथे नंबर पे आपको HDFC का दिखेगा, आप वो ओपन कर सकते हो या कोई भी दूसरा भी ओपन कर सकते हो, बट एक समझने के लिए HDFC का हम ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर आ गया है। अभी इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वाला अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, बट ये इन्वेस्ट टुडे मतलब आज अगर 50,000 रुपया हमने किधर डाल दिया, या आज 50,000 रुपया हमारा खर्चा हो रहा है, तो हमने 50,000 ये डाल दिया। ठीक है, अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट इसको जीरो कर देते हैं। कितने सालों के बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो ये हमारे कैलकुलेशन के लिए हम मान के चलते हैं कि 20 साल के बाद हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो इधर हम डाल देंगे 20, इधर भी हम डाल देंगे 20। ठीक है, यहां पे हमने आज का जो हमारा वैल्यू था 50,000 रुपया जो हम आज की तारीख में खर्चा कर रहे हैं वो हमने डाल दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपका अभी का जो एक्सपेंस है वो 25,000 है या 1,00,000 रुपया है या 1.5 लाख है या 2 लाख है, वॉट एवर जो भी आपकी रहन सहन के हिसाब से है आप वो डाल सकते हो। और ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अगर आपको 10 साल के अंदर रिटायर होना है तो आप 10 डालिए, आपको 30 साल के बाद रिटायर होना है तो 30 डालिए या 40 डालिए, जो भी आपकी सिचुएशन है वो हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। बट एक कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 50,000 हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे 20 ले लिया कि 20 साल के बाद हम रिटायर होना चाहते हैं। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे 6, जो कि हमने अभी देखा रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी चल रहा है मार्केट में 6 to 6.5, तो हमने 6% ही लिया हुआ है। तो आने वाले 20 साल के बाद ये 50,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1.66 लाख, तो ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाता है 165,510। 20 साल के बाद ये 50,000 बढ़ के हो जाएगा 1,65,510। ठीक है, मतलब अगर अभी आप 50,000 रुपये खर्चा कर रहे हो तो इन्फ्लेशन की वजह से आप 20 साल के बाद 1,65,000 खर्चा करेंगे, मेंटेनिंग द सेम लाइफस्टाइल एज यू आर डूइंग इट राइट नाउ। मतलब अभी जो आपका लाइफस्टाइल है वही सेम रख के आपको फ्यूचर में 1,65,000 खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। अभी आ जाते हैं हमारे कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया कि ये 1,65,510 आ गया। तो अभी अपने को चाहिए कि 20 साल के बाद मुझे हर महीने 1,65,000 रुपया आए। ठीक है, अभी हर महीने मुझे 1,65,000 रुपया चाहिए तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हो मुझे कि ये इन्वेस्टमेंट आपको क्या लगता है, 1,65,000 हर महीने चाहिए तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम एक 10 सेकंड का पॉज ले लेता हूं मैं, आप तब तक कमेंट के अंदर बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप बैंक के अंदर पैसे रख रहे हो FD के अंदर, जो कि बहुत ही सेफ होता है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली आप कोई बड़ी अच्छी बैंक में डालेंगे तभी सेफ रहेगा। ठीक है, तो सोच समझ के अच्छी बैंक में डालिए, बड़ी वाली बैंकों में या गवर्नमेंट बैंक्स में डालिए ताकि आपका पैसा सेफ रहे। तो अभी हम आ जाते हैं नॉर्मल कैलकुलेटर ले लेते हैं हम। ठीक है, हमने नॉर्मल कैलकुलेटर ले लिया, तो अभी हमको चाहिए 1,65,000 रुपया हर महीने। ठीक है, तो हमको साल का कितना चाहिए, इंटू 12 कर लेंगे हम, ये आ गया हमारा 19,80,000। अभी FD का रेट अभी कितना चल रहा है, तो समवेयर अराउंड 6% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो हम ये 19,80,000 जो भी हमारा फिगर आया, हमको ईयरली इतना पैसा चाहिए, डिवाइड बाय 6% कर लेंगे और इक्वल टू कर देंगे। अगर आपको नहीं समझा तो फिर से समझा दूं मैं। हमारा कैलकुलेशन था 1,65,000 हर महीने चाहिए हमको, मल्टीप्लाई बाय 12 हम कर लेंगे। ठीक है,
तो ये आ गया 19,80,000 जो आपको हर महीने चाहिए अब से 20 साल के बाद, ठीक है। तो ये 19,80,000 हर साल कमाने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एफडी के अंदर, जो कि हमको देती है 6%। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे इसको डिवाइड बाय 6 परसेंटेज की साइन और फिर इज इक्वल टू, तो ये आपका फिगर आ गया 3,30,00,000 रुपए, ठीक है। आपको इतने पैसे चाहिए 3,30,00,000 रुपए 20 साल के बाद, ताकि आप हर महीने 1,65,000 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे आपको मिले, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि भाई 6% बैंक देगी और 6% के हिसाब से अपने को 3,30,00,000 रुपए चाहिए एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद हमको 3,30,00,000 रुपए चाहिए। अभी हो सकता है आपके हिसाब से कुछ आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कुछ अलग आ रहा हो, मैंने ये 50,000 रुपए से कैलकुलेट किया था इसलिए मुझे 165 आया, आपको कुछ और आ सकता है और उसी प्रकार आपको ये 3,30,00,000 की जगह पे आपको 5 करोड़ भी आ सकता है, 1.5 करोड़ भी आ सकता है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आपका ये फिगर चेंज हो जाएगा। तो ये 3,30,00,000 रुपए मुझे चाहिए 20 साल के बाद, तो आज की तारीख में मैं इन्वेस्टमेंट कितना करूंगा या हर महीने में 20 सालों तक कितना इन्वेस्ट करूंगा, तब जाके मुझे ये 3,30,00,000 रुपया बनेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से आ जाते हैं HDFC के कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। मैं गूगल में आ जाता हूं, लिख देंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। तीसरे या चौथे नंबर पे HDFC का आ जाएगा, वो खोल लीजिए। अभी अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, आज तो हमारे पास मान लीजिए कुछ नहीं है, हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। हर महीने हम आप कितना बचाना चाहेंगे आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि कितना हर महीने हम बचाएंगे तो हमको 20 साल के बाद 3,30,00,000 रुपया मिलेगा। चलिए चलिए जल्दी कमेंट के द्वारा बताइए, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। तो लेट्स से आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मंथली ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 सालों तक आप इन्वेस्ट करेंगे और 20 साल तक आप इन्वेस्टेड भी रहेंगे। और अभी हम इंटरेस्ट रेट कितना पकड़ेंगे, हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। करंटली समवेयर अराउंड 15% मार्केट में आपको मिल रहा है, 15% म्यूचुअल फंड्स, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स 15% के रिटर्न्स दे रहे हैं। बट फ्यूचर में क्या ये 15% रहेगा, वो एक क्वेश्चन की बात है। तो हम ये 15% को कम करके 12% कर लेते हैं, सेफर साइड, ठीक है, ताकि एक फेयर पिक्चर हमको मिले कि मार्केट कभी अप भी रहता है कभी डाउन भी रहता है। तो 12% हमने कैलकुलेट कर लिया, पर ये अगर मैं 10,000 रुपया ही बचा रहा हूं हर महीने मंथली 20 सालों तक, तो 20 साल के बाद मुझे मिलेगा कितना, 99.91 लाख, मतलब 1 करोड़ भी नहीं हो रहा है मेरा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये अमाउंट बढ़ा करके मान लीजिए हम कर लेते हैं 20,000 रुपया, पर 20,000 रुपये से भी काम नहीं बन रहा, ये हो रहा है 2 करोड़, तो हम कर लेंगे 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हर महीने बचाने से आपको करीब करीब 3 करोड़ रुपये मिल जाएंगे 20 साल के बाद। अगर आपको 3,30,00,000 ही चाहिए तो आप इसको 33 कर लीजिए, 33,000 हर महीने आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आने वाले 20 सालों तक, तब जाके आपका ये इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होगा 3,30,00,000 रुपए। तो आप अपने हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको जो चाहिए, आपको मान लीजिए 5 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए, तो और आपके पास समय कितना है, इधर फिगर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, कम ज्यादा करके देख लीजिए कि आपको ये फिगर आ रहा है, आपका 5 करोड़ 10 करोड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको यहां से पता चल गया कि हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 33,000 हर महीने। तो अगर आप आज 50,000 रुपया खर्चा कर रहे हो
तो वही लाइफस्टाइल रखने के लिए आपको 33,000 हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोले कि अरे बाप रे, अरे 50,000 तो मेरा खर्चा हो रहा है, तो मैं 33,000 इन्वेस्ट कहां से करूं। तो बात तो वही है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इसीलिए 50%, 50% से ज्यादा लोग कर नहीं पाते क्योंकि हमारे खर्चे ही इतने सारे होते हैं। तो अपने पास ऑप्शन ये है, या तो हम अभी जो खर्चे कर रहे हैं उसमें कुछ कट शॉर्ट कर दे, जो अनवांटेड खर्चे हैं वो ना करें, जहां पे भी हम पैसा बचा सकते हैं वहां पे पैसे बचा लेवे और इन्वेस्ट करके चले, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चले ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखे। 2-3 साल के अंदर आपको प्रॉफिट इतना दिखेगा नहीं। हाँ, मानता हूं कि कोरोना के बाद में शेयर मार्केट काफी बूम में है, अभी काफी ऑल टाइम हाई पे है, बट जरूरी नहीं है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा आने वाले 5, 10, 20 सालों तक। तो हम एक सेफ साइड लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और काफी लोगों को एक कुछ नया सीखने मिला रहेगा। आप अपने विचार कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं और बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ मैं दूसरे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बी हेल्दी और हमेशा खुश रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में कुछ तो समझ आए। कुछ नहीं तो 5-10 जो भी आप बचा सकते हो उतना बचा के आप कुछ तो जमा करना चालू करते हुए रिटायरमेंट के लिए। थैंक यू।